हरियाणा सरकार की तरफ से आज हरियाणा में हो रहे कश्मीरी पंडितों को उनके जमीन का मालिकाना हक दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 182 कश्मीरी पंडितों को हरियाणा में उनकी जो जमीन का मालिकाना हक बनता था वो उन्हें दिया गया है, और जिसके बाद इन कश्मीरी पंडितों की आंखों से आंसू छलक गए। नेटवर्क 10 की संवाददाता ईशा ठाकुर ने कश्मीरी पंडितों से खास बातचीत की है और उनकी राय जानी है, सुनिए। हरियाणा सरकार की तरफ से करीब 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ कश्मीरी पंडित आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो हरियाणा निवास में पहुंचे हैं, और करीब करीब 32 साल बाद इन्हें इनके जमीन का मालिकाना हक मिल चुका है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीरी पंडितों पर कई अत्याचार हुए, इनकी जुबानी हम जानेंगे। सर, कितना जद्दोजहद आपको करना पड़ा अपना मालिकाना हक यहाँ पर लेने के लिए, और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, कितना अत्याचार वहाँ पर सहना पड़ा? मैडम, अत्याचार तो आपने देखा ही हुआ, अभी जस्ट नाउ आई है, अभी एवरीवन नोज नाउ, पहले तो सब छुपा हुआ था, नाउ इट हैज कम थ्रू दैट फिल्म आल्सो, बाकी तो जस्ट वी वर शंडेड फ्रॉम देयर आउट, हम तो वहाँ से आए थे विदाउट एनी कैब, कुछ सामान वामान लेके वी केम आउट, देन वी केम टू जम्मू, फिर जम्मू से हमने फिर कहा था चलो लेट अस गो नियर क्या दिल्ली, तो हमने बहादुरगढ़ में वो प्लॉट ले थे हम 1992 में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वी परचेज ऑन आवर ओन, हमने खुद ही परचेज किए थे, फिर 96-97 में हुडा ने कहा चलो वी विल टेक ओवर, वी विल गिव योर लैंड इन लिए ऑफ दिस लैंड। दिमाग से ही निकाला था, क्योंकि जब हम सोचते थे ना, या तो दिमाग बहुत परेशानी होती थी या सर दर्द होता था, फिर गिर जाते थे। देखा घर वालों को, मैंने कहा छोड़ो, जो दिया हमने दे दिया, छोड़ा, उसका नाम ही मेरे सामने ना लो, आप क्या कहेंगे, आपकी भगवान की इच्छा से हमारे पर हमारे लिए एक ऐसे अफसर आ गए जिन्हें हमारे इस जमा की परेशानी को दूर किया, थैंक यू टू देम, थैंक यू टू देम। धन्यवाद सर। ये कश्मीरी पंडितों की जुबानी आपने सुना कि अपने ही देश में किस तरीके से दर दर इन्हें भटकना पड़ा, लेकिन आज करीब 32 साल बाद इन्हें अपना मालिकाना हक मिल चुका है, और इनका कहना है कि बीजेपी के चलते ही इन्हें इनका मालिकाना हक इतने सालों बाद मिला है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।